श्रद्धाओं खैरात कर रहे हैं, आज जो उम्रा कर रहे हैं, जिनके सदके में मैं और आप अपनी माँ की जियारत कर रहे हैं, जिनके सदके में मैं और आप अपने बाप की जियारत कर रहे हैं। हुसैन अगर शहीद न होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन ने सब कुछ लुटा के बता दिया, कुछ रहे न रहे, नाने का जिंदा इस्लाम रह जाना चाहिए। फलसफा शहादत को आपके सामने पेश किया जाता है, लेकिन मकासद शहादत आपके सामने नहीं पढ़ा जा रहा। फलसफा शहादत सुनाया जा रहा है, एक पेट के लिए, पैसों के लिए, अपने कारोबार को चमकाने के लिए, लोगों को रुला के पैसे इकट्ठे किए तो जा रहे हैं, लेकिन जो इसके पीछे मकसद है उस मकसद को छुपाया जा रहा है। वो मकसद क्या है वो मैंने आपके सामने रखा है, वो मकसद मैंने आपके सामने रखना है। मकसद ये है कि मेरे और आपके पीर और मुर्शिद चिश्तियों के पेशवा, चिश्तियों के पेशवा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन सजरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, सारे आपको रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने लिखा है शाह अस्तु हुसैन। क्या लिखा? बोले बोले बोले, शाह अस्तु हुसैन, बादशाह अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीने बना अस्तु हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना इला इला अस्तु हुसैन। मेरे और आपके पीर गरीब नवाज लिखते हैं कि शाह हुसैन है, शाह भी हुसैन, बादशाह भी हुसैन है, यानी कि शाह अस्तु हुसैन, शाह हुसैन है, शाह हुसैन है, बादशाह अस्तु हुसैन, बादशाह हुसैन है। बोले 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 जरा, बादशाह हुसैन है। अब अगला तीसरा जुमला है, दीन अस्तु हुसैन, दीन हुसैन है, दीन ऊंची बोले, दीन दीने पदा अस्तु हुसैन, दीन को पना देने वाला हुसैन है। अब ये जुमले आपने जहन में रखने हैं, किसी से भी तर्जमा करवा दे शाह हुसैन का मतलब क्या है, वो कहेगा शाह हुसैन है। बादशाह तो हुसैन का मतलब क्या है, वो कहेगा कि बादशाह हुसैन है। आगे उससे पूछे कि दीन अस्तु हुसैन, वो कहेगा दीन हुसैन है, दीन दीने पना अस्तु हुसैन, दीन को पना देने वाला हुसैन है, दीन को पना देने वाला हुसैन है। अब हमने इस रुबाई के तीसरे जुमले को पकड़ना है, किसके जुमले को, तीसरे जुमले को। तीसरा जुमला क्या है, दीन अस्तु हुसैन, दीन अस्तु हुसैन, दीन हुसैन है, दीन हुसैन है।
इस जुमले को समझना है, इसी जुमले पे मैंने गुफ्तगु करनी है। तीन हुसैन है मेरे और आपके घर के अंदर, हुसैन है कि नहीं है? बोले जरा, बोले 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 बोले, मेरे और आपके घर के अंदर हुसैन है, लेकिन हुसैन तो दीन है, तू और मैं दीन से क्यों दूर है? तू और मैं दीन से दूर क्यों है? इस बात को समझना है। हमने सिर्फ हुसैन को रखा, दीन को नहीं रखा, लेकिन मेरे गरीब नवाज फरमाते हैं दीन हुसैन है, दीन हमने हुसैन को पकड़ लिया, तो जो हुसैन का दीन था उसे छोड़ दिया, हुसैन को पकड़ लिया अलैहिस्सलाम, जो हुसैन का दीन था उसे छोड़ दिया। फलसफा शहादत, जिक्र शहादत हर मौलवी पढ़ रहा है, लेकिन फिक्र शहादत कोई नहीं पढ़ रहा। हुसैन की फिक्र क्या थी? हुसैन की फिक्र थी अल्लाह के घर को बचाना। यार बोले 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 बोला, हुसैन की फिक्र क्या थी? अल्लाह के घर को बचाना। यजीद लानती है, यजीद फासक है, यजीद फाजर है, यजीद कल भी लानती था, यजीद आज भी लानती है, यजीद कयामत में भी लानती रहेगा। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद है, और हुसैन कयामत में भी जिंदाबाद रहेगा। अब समझ आ गई बात के लिए, यजीद का मकसद क्या था? उस मकसद के खिलाफ हुसैन खड़ा हुआ, उस मकसद के खिलाफ हुसैन खड़ा हुआ। यजीद का मकसद था बेहयाई को फैलाना, पहला मकसद। दूसरा मकसद जिना को आम करना। तीसरा मकसद शराब को हलाल कहना। चौथा मकसद मां की इज्जत को पामाल करना। पांचवा मकसद बाप की इज्जत को पामाल करना। छठा मकसद गरीब का हक खाना। सातवां मकसद गरीब पे जुल्म करना, ज़ियादती करना। आठवां मकसद कुरान की बेहुर्मती करना, नमाज की बेहुर्मती करना, अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना। ये उसके मकासिद थे, जो दस मकासिद मैंने आपके सामने रखे। इन मकासिद के खिलाफ अगर कायनात में कोई खड़ा हुआ है, वो है फातिमा और अली का लाल, जिसे हुसैन कहते हैं। अब समझ आ गई कि नहीं आ गई? आप समझ आ गए? जो उस वक्त का यजीद था, उसके सामने मोहम्मद के बेटे अली और फातिमा के तख्त जिगर शहजादा इमाम हुसैन खड़े हुए। आज भी यजीद मौजूद है, लेकिन इनके सामने खड़ा होने वाला कोई नहीं। इनके सामने खड़ा होकर हुसैनियत को जिंदा करने वाला कोई नहीं। इनके सामने खड़ा होकर इस फिरौनियत के निशान को, इस नमरूदियत के निशान को, इस यजीदियत के निशान को तबाह करने के लिए आज कोई हुसैन तैयार नहीं हो रहा। इस यजीदियत के निशान को तबाह पर बात करने के लिए आज कोई बंदा तैयार नहीं हो रहा। निचले तबके से लेकर ऊपर वाले तबके तक हर इंसान यजीदियत के निशान में मुलव्वस है, वो अमीर है, वो भी मुलव्वस,
गरीब है वो भी मुलव्वस, यतीम है वो भी मुलव्वस, मस्कीन है वो भी मुलव्वस, अदना है वो भी मुलव्वस, आला है वो भी मुलव्वस, हुक्मरान है वो भी मुलव्वस, वजीर है वो भी मुलव्वस, अगर बादशाह है वो भी मुलव्वस, वजीर आजम है वो भी मुलव्वस। आज हम सारे यजीदियत के निजाम में मुलव्वस है, फिर हम कहते हैं हालात बेहतर नहीं हो रहे, कारोबार बेहतर नहीं हो रहा, दुआएं कबूल नहीं हो रही, ये रहमत की फिजा नहीं चल रही, ये मौसम नहीं ठीक हो रहा, सैलाब आ रहे हैं, जलजले आ रहे हैं, तबाह बर्बादी हो रही है, इंसानियत का कत्ल हो रहा है, बहन की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है, माँ की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है, बाप की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है, रिश्तेदारों की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है, गरीब की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है, यतीम की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है, मस्कीन की इज्जत को बर्बाद किया जा रहा है। आज हम सारे इस निजाम में मुलव्वस है। निजाम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हमारे दरमियान में गैरत हुसैन नहीं आएगी, गैरत हुसैन नहीं आएगी जब तक हम अपनी गैरत को नहीं जगाएंगे। ये निजाम ऐसे चलता रहेगा, ये निजाम ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे पीर ने फरमाया तीन अस्त हुसैन, तीन हुसैन है, हुसैन दीन है, तीन हुसैन है, हुसैन दीन है। अब दीन को पढ़ना है, दीन को पढ़ना है, उसे समझना है, तो पहले हुसैन को समझना पड़ेगा। किसको समझना पड़ेगा? बोले यार जरा, अगर आप मेरे साथ बोलेंगे तो आपकी समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं दावत फिक्र क्या देना चाहता हूं, मैं आप लोगों को कहां से कहां तक लाना चाहता हूं, आपके पल्ले में मैं क्या देना चाहता हूं। आज इस बात को समझने की जरूरत है। नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, नौजवान नस्ल बर्बाद हो रही है, नौजवान नस्ल बेहयाई की तरफ जा रही है, नौजवान नस्ल बेनमाजी होती जा रही है, नौजवान नस्ल कुरान से दूर होती जा रही है, नौजवान नस्ल नमाज से दूर होती जा रही है, नौजवान नस्ल माँ बाप से दूर होती जा रही है। ये आज का जुम्मतुल मुबारक दावत फिक्र है। इस चीज को समझिएगा, हुसैन दीन है। 10 दिन मुहर्रम के आ गए, हर इंसान हुसैन का जिक्र कर रहा है, हर इंसान हुसैन का जिक्र सुन रहा है, कोई नोहे की शक्ल में सुन रहा है, कोई मातम की शक्ल में कर रहा है, कोई मजालिस की शक्ल में कर रहा है, कोई हलवा नान तकसीम करके हुसैन का जिक्र कर रहा है, कोई बरयानी और सरदा पका के हुसैन का जिक्र कर रहा है, कोई अपनी तौफीक के मुताबिक पानी की सफीद लगा के हुसैन का जिक्र कर रहा है, कोई अपने घर में बच्चों को बिठाकर सामने हुसैन के नगमे सुना रहा है, कोई अपने घर से बाहर निकल के हुसैनियत का नाम ले रहा है। 10 मुहर्रम गुजरते ही बेहयाई उसी जगह पर, बेला रवि उसी जगह पर, शिराब उसी जगह पर, सना उसी जगह पर, माँ की बेअदबी उसी जगह पर, बाप की बेअदबी उसी जगह पर, रिश्तेदारों से बदसलूकी उसी जगह पर, झूठ उसी जगह पर, शराब उसी जगह पर, गीबत उसी जगह पर। ईमान से बताओ क्या 10 दिन के लिए हुसैनियत जिंदा रखनी है, 10 दिन के लिए हुसैनियत जिंदा है, या 10 दिन के लिए हुसैन हमारा है? नहीं नहीं, 10 दिन के लिए नहीं, जब हम नहीं थे तब भी हुसैन हमारा था, हम आए तब भी हुसैन हमारा है, जब हम चले जाएंगे तब भी हुसैन हमारा रहेगा, वो हमारा है। लेकिन हम हुसैन के नहीं हो रहे, वो हमारा है, हम हुसैन के नहीं हो रहे, वो हमारा है, हम हुसैन के नहीं हो रहे,
मैं फिर जुमला देना चाहता हूँ, ऐ नौजवान नस्ल, मेरे नबी के गुलामों, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, मेरे नबी से मोहब्बत करने वालों, अहले बैत से मोहब्बत करने वालों, अहले सहाबा से मोहब्बत करने वालों, औलिया से मोहब्बत करने वालों, गौसुल आजम से मोहब्बत करने वालों, दाताली हजवेरी से मोहब्बत करने वालों, बाबा फरीद से मोहब्बत करने वालों, अल्लाह के नेक बंदों से मोहब्बत करने वालों, हुसैन हमारा है, हम हुसैन के नहीं। मैं फिर जिम्मेदारी से यह बात कर रहा हूँ, मेरे समेत सारे अपने गिरे भाग में झाँक कर देखो, हुसैन हमारा है। क्या हम हुसैन के हैं? नहीं हुसैन के, हुसैन हमारे नहीं। 18 साल का जवान बच्चा कुर्बान किया, यार बोल 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 बोल, हुसैन ने हमारे लिए अपने भतीजे, अपने भाजे, अपने बेटे, अपने भाई, रिश्तेदार, नबी के गुलाम सहाबा 72 तन कुर्बान कर दिए, घर का घर लुटा दिया। किसके लिए? हुसैन आपके लिए नहीं गया था, हुसैन को तो तख्त मिल रहा था, हुसैन को बादशाहत मिल रही थी, हुसैन को औरत मिल रही थी, हुसैन को हीरे मिल रहे थे, हुसैन को जवाहरात मिल रहे थे, हुसैन को बैंक बैलेंस मिल रहा था। हुसैन से यजीद ने कहा था, इतना दे दूंगा सारी जिंदगी आराम से बैठ के खाता रहे, तेरे से खत्म नहीं होगा। हुसैन को तो सब कुछ मिल रहा था, हुसैन ने बीवी छोड़ दी, हुसैन ने औरत को छोड़ दिया, हुसैन ने हीरो को छोड़ दिया, हुसैन ने जवाहरात को छोड़ दिया, हुसैन ने अपने बेटे ज़िबह करवा दिए, हुसैन ने अपने भतीजे ज़िबह करवा दिए, हुसैन ने अपने भांजे ज़िबह करवा दिए, हुसैन ने अपने भाई ज़िबह करवा दिए, अबू बकर बिन अली ज़िबह करवा दिए, उमर बिन अली ज़िबह करवा दिए, उस्मान बिन अली ज़िबह करवा दिए, अब्बास बिन अली ज़िबह करवा दिए, और उसको भी कुर्बान करवा दिया, बिन अब्दुल्ला तन्वी को कुर्बान कर दिया, अनस को कुर्बान कर दिया, अब्दुल्ला को कुर्बान करवा दिया। अरे सब कुछ कुर्बान के हुसैन इस आस पे था कि जिसके लिए मैं कुर्बान करवा रहा हूँ वो नाने कसीद है, वो नमाज है, वो कुरान है, वो नमाज है, वो कुरान है, वो रमजान है, वो सकात है, वो सबका खैरात है, वो हज है, वो उमरा है, वो माँ है, वो बाप है, वो भाई है, वो बहन है, वो बेटी है, वो बीवी है, ये सब के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन किस उम्मीद पर कि मेरे नाने की उम्मत इस काम पे चले, मेरे नाने की उम्मत इस रास्ते पे चले, मेरे नाने की उम्मत नमाज पढ़ेगी सवाब मुझे मिलेगा, कुरान पढ़ेगी सवाब मुझे मिलेगा, रमजान के रोजे रखेगी सवाब मुझे मिलेगा, हज और उमरा करेगी सवाब मुझे मिलेगा, नेकियां मुझे मिलेगी। अरे हुसैन ने तो अपना काम कर दिया। मैंने कहा हुसैन हमारा है, हम हुसैन के नहीं। अब अपने और मेरे गिरे भाग में सारे झांक कर देखो, क्या हम हुसैन के हैं? नहीं है, अल्लाह बिल्ला तल्ला, हम हुसैन के नहीं, हुसैन हमारा है। हुसैन का मकसद क्या था कि नबी की उम्मत में तफरीक ना आए? हुसैन का मकसद क्या था कि गरीब को इज्जत मिले, यतीम को इज्जत मिले, मस्कीन को इज्जत मिले, लावारिस को इज्जत मिले, बेवा को इज्जत मिले, अरे गरीब बाप बहन को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? कुरान को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? नमाज को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? मस्जिद को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? काबे को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? मदीने को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? उस्ताद को इज्जत मिले? हुसैन का मकसद क्या था? तालिबे इल्म को मकाम मिले? हुसैन का मकसद क्या था? अरे दुनिया में हर इंसान को इज्जत मिले। आज मेरे समेत गिरफ्तार में झांक कर देखो, क्या हम दूसरे को इज्जत दे रहे हैं? नहीं। क्या हम नमाज पढ़ रहे? नहीं। क्या हम कुरान पढ़ रहे? नहीं। क्या हम रोजे रख रहे? नहीं। क्या हम दीन का काम कर रहे? नहीं। कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर हम कहते हैं हम मोमिन हैं। हुसैन को ऐसे मोमिन की जरूरत नहीं, हुसैन को वो मोमिन चाहिए जो हुसैनियत के नक्शे कदम पे चले। बरा Yeah.
तो है जरा ऐसी तकलीफ से ठीक है कि नहीं ठीक, हाँ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना, हाँ तवज्जो है ना जरा। दीन आज तो हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन ऊंची बोले ऊंची बोले, हुसैन हुसैन दीन है, दीन पनाह तो हुसैन, जिसने दीन को पनाह दी हो उसे हुसैन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हुसैन। बोले उसे क्या कहते हैं? हुसैन कहते हैं, जिसने दीन को पनाह दी, जिसने दीन को पनाह दी उसे हुसैन कहते हैं। और हुसैन ने तो दीन को पनाह दी, दीन को पनाह में लेकर बचा लिया। अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अकबर कबीरा। नमाज को पनाह देकर नमाज को बचा लिया, कुरान को पनाह देकर कुरान को बचा लिया, कुरान को पनाह देकर कुरान को बचा लिया, रमजान को पनाह देकर रमजान को बचा लिया, इज्जत वालदैन को पनाह देकर मां बाप की इज्जत को बचा लिया। फिर सुनो, दीन अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है, दीन पना अस्त हुसैन, दीन को पना देने वाला हुसैन है। आप मस्जिद में आए, आगे बोले, मस्जिद में आए हो, सारे बोल रहे हैं आप मस्जिद में आयो, ये मस्जिद किसका घर है? ऊंची बोले, ऊंची बोले, मेरा घर तो नहीं, चौधरी जहूर साहब का घर तो नहीं, हाँ अलामा बशीर साहब बैठे हैं, क्या इनका घर है? ये मस्जिद किसका घर है? मस्जिद में आ गए, आकर बैठ गए, अल्लाह के घर में आकर बैठे हो, अल्लाह ने आपको पना दे दी है, अल्लाह ने पना दे दी। अब कोई आगे खेलने के लिए बैठेगा, कोई फर्ज पढ़ते ही चले जाएगा, कोई सारा जुम्मा पढ़ ही जाएगा, कोई जुम्मा पढ़ने के बाद सलाम पढ़ के दुआ मांग जाएगा, कुछ ऐसे भी मोमिन होंगे जो सलाम के बाद नफल पढ़ के जाएंगे। हाँ क्या वो इंसान है? इंसान है ना, हम भी इंसान, हमें जल्दी जल्दी है, अल्लाह के घर में आए हो तो अल्लाह की पनाह में, क्या बोलो 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 बोलो, अल्लाह की पनाह में। इसी तरह थी भटक रहा था, मजाक उड़ाया जा रहा था दीन का, जैसे मैंने तबहीदन कहा। अब कुछ दोस्त ऐसे आए हैं जो सच में शौक है, मेरी बात को समझेंगे कि नमाज का मजाक जो मकसद यजीद मैंने आपके सामने रखा, 10 मकसद मैंने पढ़े आपके सामने, कितने मकसद वो फिर सुन लो जरा। पहला मकसद था जुल्म, सना हलाल, शराब हलाल, गरीब यतीम मस्कीन बेवा के साथ जुल्म, कुरान की बेहुर्मती, नमाज की बेहुर्मती, रमजान की बेहुर्मती, अल्लाह के घर की बेहुर्मती, ये यजीद के मकसद थे। यजीद किसी मकसद पर था कि अल्लाह के घर की इज्जत ना हो, कुरान की कोई इज्जत ना हो, दीन की कोई इज्जत ना हो। उसे ये मौत अपनी याद नहीं थी, वो खुदा बना बैठा था, वो कहता था सिर्फ मुझे लोग मानते रहे, मेरा ही नाम लेते रहे, मेरे सामने झुकते रहे। उसका पहला मकसद था जुल्म ज्यादा, उस जुल्म के खिलाफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 3.5 साल है या 4 साल है,
इस उम्र के दरमियान में शहादत की खबर मिल चुकी थी। शहादत की खबर मिल चुकी थी, करबला से मट्टी ला के पेश कर दी गई थी। ये मट्टी खून बनेगी, हुसैन शहीद हो जाएगा। नबी का इल्म गैब देखो, लोग इनकार करते हैं, सरकार का इल्म देखो। जबकि उस वक्त में जनाब उम्मे हफ्सा मौजूद थी, जबकि अम्मा आयशा मौजूद थी, उम्मे सलमा मौजूद थी, उम्मे हफ्सा मौजूद थी, उम्मे ऐमन मौजूद थी। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की 7 से 8 अजवाज मौजूद थी उस वक्त में, जब ये जन्नत की या करबला की मट्टी की बशारत आई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की उस वक्त सिर्फ एक बेटी जिंदा थी, जिसे सय्यदा तय्यबा ताहिरा जनाब ज़हरा सलामुल्लाह कहती थी। उस वक्त अलीउल मुर्तज़ा थे, नबी पाक के बेटे भी कोई नहीं थे, 3 बेटियां भी कोई नहीं थी, अजवाज में जिंदा थी। सरकार ने उम्मे सलमा को बुलाकर ये कहा था, उम्मे सलमा जब वाकया करबला होगा, उनके शाम में करबला में हुसैन को मेरी उम्मत शहीद कर देगी, कत्ल कर देगी। जब हुसैन कत्ल हो जाएगा, ये मट्टी खून बन जाएगी, ये उस जगह की मट्टी है, मेरे पास जबरील लेकर आया है, ये उस जगह की मट्टी है, मेरे पास जबरील लेकर आया है। सुनो सुनो सुनो, ये उस जगह की मट्टी है, मेरे पास जबरील लेकर आया है। पहली रिवायत। दूसरी रिवायत ये है कि जबरील के साथ एक फरिश्ता आया है, जो आज से कबल मुझ मोहम्मद के पास नहीं आया, वो करबला से मट्टी लेकर आया है। पहली रिवायत के जबरील आया, दूसरी रिवायत के फरिश्ता जबरील के साथ आया। जबरील भी फरिश्ता है, इमामुल मलाइका है, वो फरिश्ता भी मलाइका है, फरिश्ता है, नूरी मखलूक है, वो आज से पहले नहीं आया, पहली दफा आया, करबला से मट्टी लेकर आया। ये शीशी में मट्टी बंद है, ये जन्नत की शीशी है, मट्टी करबला की है। फिर समझो यार, यार समझो जरा, जन्नत की शीशी है, करबला की मट्टी है, और मट्टी मेरे सामने लाई गई है। उम्मे सलमा दूसरी अजवाज में से उस वक्त तक मेरी कोई जौजा जिंदा नहीं रहेगी सिवाय तेरे, सिवाय तेरे। तो नुक्ता पेश करने लगा, सरकार को इल्म है कि इजराइल किस किस की किस वक्त में किस लम्हे में किस जगह पर किस दिन किस महीने किस घंटे में किस मिनट में किस सेकंड में रूह कब्ज करता है, तो सरकार को इल्म था, इल्म है, इल्म रहेगा। मेरे नबी ने उम्मे सलमा को फरमा दिया, उम्मे सलमा उस वक्त तक सिर्फ तू जिंदा रहेगी, सब दुनिया से चली जाएगी। अब 4 साल से लेकर इमाम हुसैन अली सलाम की उम्र मुबारक करबला में 56 बरस। यार बोलो बोलो यार बोलो बोलो यार। अगर जेड़ा बंदा ढीला बोले तो अगले साल मदीने जाए, तो जेड़ा उच्ची बोले तो ऐसे साल मदीने जाए। दोबारा ये काम नहीं होगा, लेकिन मैं आज ये कर रहा हूँ, तवज्जो से जुमला सुनिएगा, फिर जुमले को दिल की तख्ती में लिखिएगा। नबी को इल्म है कि कौन कौन मर रहा है, नबी को इल्म है कौन कौन जिंदा रहेगा। मेरे नबी को इलम था, इलम है कि करबला में शहीद कर दिया जाएगा, तो मेरे नबी ने हाथ क्यों नहीं उठाए? अल्लाह ना कर, ये मेरे दो फूल हैं हसन और हुसैन, ये मेरे दो फूल हैं हसन और हुसैन। इधर नबी फरमाते हैं कि मैं जन्नत की खुशबू सूंघना चाहता हूँ, मैं हुसैन के सर को सूंघता हूँ, मैं हसन के सर को सूंघता हूँ।
मैं फातिमा के सर को सूंघता हूँ। हुजूर फरमाते मुझे जन्नत की खुशबू आती है किसके सर से? मां के सर से, हसन हुसैन के सर से। सरकार फरमाते जब मैं जन्नत को चूमना चाहता हूँ तो मैं हसन हुसैन को चूम लेता हूँ। यार हदीस तो सुनो यार, जरा इस हदीस को जरा पल्ले तो बांधो। जो जन्नत के वारिस है अल हसन वल हुसैन सैयदा सबाबी अहली जन्नत, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, तो मेरे नबी के दाएं उतरने वाले इब्राहिम इधर हुसैन है। अल्लाह को ये बात देखकर गवारा ना हुई कि बेटा भी नवासा भी उधर तकदीर ने लिख दिया है वला के रसूलुल्लाह व खातमुन नबी। ये तकदीर बदल सकता है लेकिन बदली नहीं। कहा कि इन दोनों में जो तुझे चाहिए वो ले ले, दूसरा मुझे दे दे। अब कहा कि अगर इसको रखूं तो ये चला जाए तो फातिमा रोएगी, इसको रखूं ये चला जाए तो सिर्फ मैं रोऊंगा। मुझे फातिमा का रोना पसंद नहीं, गवारा नहीं। नवासे को चूमा, इब्राहिम तीसरे दिन इंतकाल कर गए, विसाल हो गया। अब जुमला दिल की तख्ती पर लिखना, बोली या ना बोली तेरी मर्जी है। जिस नबी को हुसैन का रोना पसंद नहीं, फिर मैं समझाना चाहता हूं, जिस नबी को हुसैन की मां का रोना पसंद नहीं, जिस नबी को हुसैन की मां का रोना पसंद नहीं। कहा मुझ मोहम्मद का दिल दुखता है जब फातिमा रोती है, मुझ मोहम्मद का दिल दुखता है जब हसन हुसैन रोते हैं। जिस मोहम्मद को ये बात गवारा नहीं कि फातिमा रोए, तो क्या समझते हो हुसैन की शहादत की खबर सुनकर फातिमा नहीं रोई, अली नहीं रोए? हुसैन की शहादत की खबर सुन के साजदार अंबिया, सैयदुल अंबिया, सैयदुल मुरसलीन, खातमुन नबीयीन, शफीउल मुस्लिमीन, रहमतुल लिल आलमीन, क्या वो नहीं रोए? रब्बे सुलजलाल की कसम है, हजरत अली फरमाते हैं मैं क्या देख रहा हूं कि हुसैन के गले को चूमा जा रहा है। मैं आ गया, मैंने पूछा या रसूलुल्लाह हुसैन के गले को चूमा जा रहा है? फरमाया अली मेरे इस बेटे को करबला में मेरी उम्मत शहीद कर देगी। हुसैन के शहादत पर मुस्तफा हुए, अली पाक की आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मौलवी अकल कर, हम वो मातम करते हैं जो मातम अल्लाह का हबीब करता है, हम उस मातम को पसंद करते, दूसरे मातम को हम पसंद नहीं करते। जो नबी ने मातम किया वो कर, जी बोलो सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। जो नबी ने किया वो कर। वो लोग भी जाहिल हैं जो कहते हैं कि कुरान से मातम दिखाओ, तो फिर कुरान से मातम दिखाया जा रहा है यकूब अलैहि सलाम का। मैंने कहा उससे बाद कुरान नाजर हुआ, मुस्तफा का मातम क्यों नहीं दिखाया कुरान में? यार बोलो, यार बोलो, यार बोलो, यार सुना करो ये ऐसी बातें जी कुरान से मातम दिखाए। मसलक अहले तसी का मौलवी उठता है, कुरान पकड़ता है, यकूब अलैहि सलाम को सामने ले आता है। मैंने कहा फिर तू यकूब की सुन्नत अदा कर रहा है ना, मोहम्मद की सुन्नत अदा नहीं ना कर रहा। यकूब ने थप्पड़ मारे थे, तू थप्पड़ मार के यकूब यूसुफ की सुन्नत को अदा कर रहा है। अब आंखों से आंसू बहाकर आमिना के लाल मोहम्मद की सुन्नत को अदा कर रहा है। सवाल पूछने वाले भी चाहे, जवाब देने वाले भी चाहे, मातम कुरान से साबित कर रहे, क्या उसके बाद कुरान नहीं आया? कुरान उस शहादत की खबर के बाद 2200 आयत नाजिल हुई है, और किसी आयत में मुस्तफा का मातम साबित होकर, किसी आयत के अंदर अली का मातम साबित होकर, मातम हराम है। हम आंखों में आंसू बहाकर गमे हुसैन में आंखों का मातम
मुझे डर नहीं है किसी का, लेकिन हक बात, हक बात है। मुझे अभी जुम्मे से पहले एक फोन आया, मैं दिखा सकता हूं, वो बंदा भी मजमे में बैठा हुआ है कि मातम के बारे में बात आए कि हलाल है कि हराम है देखना, उनको देखने के लिए तुझे सवाब है, कुरान को देखने के लिए तू तैयार नहीं। आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजले बरेलवी का फतवा है, करना भी गुनाह देखना भी हराम, या तो आला हजरत की मान ले तो या फिर झूठे सजदों की मान ले। ये जवाद नकवी की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, जो मसलके अहले तशरीह का बहुत बड़ा खतीब है, उसने मातम को हराम कह दिया। हम उस शिया को ताजीम से हाथ उठाकर सलाम करेंगे जो मुस्तफा की सुन्नत को अदा करेगा। हमारा किसी उस दूसरे बंदे से कोई ताल्लुक नहीं। आला हजरत ने लिखा देखना भी हराम करना भी हराम। इमाम आजम अबू हनीफा ने लिखा है हराम हराम हराम, ये तीन दफा उनके लफ्ज ना हो, तलवार तेरी है सर मेरा है, जिस फिका को तू मानता है तेरी मेरी फिका का इमाम नुमान बिन साबत इमाम आजम अबू हनीफा है, उसने हराम कहा है तो हम हराम समझते हैं, मुस्तफा रोए हम हलाल समझते हैं। बात खत्म हो गई, खत्म हो गई बात। ऐसे सवाल नहीं किया करो, मैं हर साल जवाब देता हूं, अब आप नहीं आते तो कसूर मेरा तो नहीं है ना। मैंने आज हुसैन का मकसद पढ़ा है, कौन कौन बंदा है इस मजमे में जिन्होंने सुना है कि आज के बाद तुम तैयार हो जिस मकसद के लिए हुसैन खड़ा हुआ, तैयार हो के नहीं बोलो ना यार। बड़ा हुसैन ने नमाज को बचाई, तू नमाज नहीं बचा रहा। हुसैन ने कुरान को बचाया, तो कुरान से दूर जा रहा है। आज के बाद वादा करो कि हम मकसद हुसैन को जिंदा करेंगे। यार बोलो तो सही, सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह, ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। मेरा वक्त हो गया है, हो गया मेरा वक्त, हम मकसद हुसैन को जिंदा करेंगे। किसके मकसद को? ऊंची बोले, ऊंची बोले, ऊंची बोले। मैंने कहा जवाब नकवी ठीक है या तू ठीक है, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है नेट पे, लोगों को कह रहा है कि हमने साकरों से दीन सीखा, जबकि साकरों से दीन नहीं मिलता, झूठ मिलता है। साकरों वाले दीन को छोड़ो, मोहम्मद के गुलामों के दीन को पकड़ो, हुजूर के गुलामों के दीन को पकड़ो। अगर कोई मातम करता मेरा इख्तलाफ नहीं है, ठीक है करे, उसकी किस्मत है, वो अपने हिस्से का करे, हम तो नहीं करेंगे। हाँ अगर हमारे इमाम ने किया होता तो हम नहीं करते। यार बोलो 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 बोलो। अगर इमाम सज्जाद, इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला में यही बचे, मैं बड़ा बड़ा नुक्ता देने लगा, इन मौलवी झूठ बोलते जे कि यही बचे, करबला में दो बंदे बचे थे, पै गए ना लोग फिक्र, पै गए फिक्र। तुसा अज तक ये सुनया कि एक बचिया है, मैं मिंबरे रसूल ते कसम खा के कह रहा मौला हसन का हसन पुत्र जिसे हसने मुसन्ना कहते हैं, वो करबला का गाजी है। तक मौलवी के सर पे कुरान, उससे पूछ हसन मुसन्ना किधर था करबला में। ये शुरू से मौला हसन से अदावत चल रही है, मौला हसन से बगावत चल रही है। ये दीन तुझे यजीदियों का कुछ मिला, कुछ मावियों का भी दिया, दीन तुझे असल दीन तेरे तक नहीं आया। मौला हसन का बेटा जिससे हसनी सैयद आगे चले उसे हसन मुसन्ना कहते हैं, हसने मुसन्ना को छुपाया जा रहा है। करबला में दो बंदे बचे थे, एक का नाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन था, दूसरा मौला हसन मुसन्ना था। थक मौलवी के सर पे कोरा, शिया ज़ैनुल आबिदीन पड़े
जनाब हसन मुसन्ना नहीं पढ़े। अगर हसन मुसन्ना को तो मार देता तो फिर हसनी सैयद तो बचता ही कोई नहीं, फिर तो हुसैनी सैयद बचे ना। इस जुमले से तकरीर करनी है अल्लाह के घरों आके आप, हाँ मैं इंशाल्लाह करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या क्या तारीख में हुआ है। पर्दे खोल के रख दूंगा, जो पर्दे डाले जा रहे हैं ना वो पर्दे खोलूंगा इंशाल्लाह, तब खोलूंगा जब आप टाइम से आए, वक्त में आएंगे। मैं 1 बजे बैठ जाता हूँ, आपका काम बनता है ना 1 बजे। हमारे वजीराबाद के लोग मीर अजमल कादरी साहब के पीछे, रोजा सातम साहब के पीछे वहां 11 बजे पहुंच जाते हैं। हुक्म तुझे शरीयत ने दिया जो मस्जिद करीब है उसको पहले आबाद कर, तो हम तो नबी के इस हुक्म के भी खिलाफ चल रहे हैं, दूर की मस्जिद को आबाद करो। जो तेरे शहर में है तेरे करीब है जहां तुझे कुरान कहता ले, अगर तू नहीं लेता तो गुनाहगार है ना, है कि नहीं गुनाहगार, ईमान से बताओ ना। आज 9 मुहर्रम है, मेरे घर में शहादत इमाम हुसैन है, शहादत इमाम हुसैन, और शहादत इमाम हुसैन में हुसैन के गम में आज मैंने भी रोना है तो तुसा भी रोना है। रोना के नहीं रोना, रोना के नहीं रोना। ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मेरे सिर पे कुरान रख, उस मौलवी के सिर पे कुरान। मौला हुसैन ने फरमाया कि हमारे गम में जो रोए, रोने का जिक्र है ये नहीं है। 36 साल तक इमाम सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, 36 साल में से कोई इमाम सज्जाद का मातम दिखा दे पर सारी जिंदगी मातम करने के लिए तैयार, इमाम मोहम्मद इब्राहिम का जंजीरों का मातम दिखा दे मैं मातम करने के लिए तैयार, इमाम जाफर सादिक का जंजीरों का मातम हाथों का मातम कोई दिखा दे मैं मातम करने के लिए तैयार। मैं कच्चा मोमन नहीं, मैं पक्का मोमन ना, हम कल भी अहले बैत के गुलाम थे, हम आज भी अहले बैत के गुलाम हैं। जिला जिला अहले बैत का गुलाम है, आप साथ बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोले, रात को जीने वाले भी तैयार हो जाए। जब तक मैं जिंदा रहा हुसैन पाक का जिक्र कर दिया रहना, अली पाक का जिक्र कर दिया रहना, हाँ ठीक है कि नहीं। आज राती तुसी सारे ने आना इशा दी नमाज तो बाद मुल्तान तो राती मैं बाग बदल सा बस्ती दरवाजा गुजर के आया, खुदा दी कसम कपड़े बदलने ते दिल नहीं कीता, मैं कह आज नहीं ना कपड़े नाल मैं जुमा पढ़ा रहा, ऐ कपड़े जल्दी हो के आ गए। मेरे घर वाले ने कहा कपड़े पा लो इस्त्री ने, तो मेरे अलहमदुलिल्लाह 15-20 सूट इस्त्री रहते हैं, ऐसी कोई गल नहीं, मैं कभी इस्त्री का बहाना